呃。Uh अक्टूबर 2022 भारत में बुधवार है टुडे इज 19th अक्टूबर 2022 एंड इट्स वेनेसडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टूडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज सुबह सुबह ही कल की मुरली इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आज दिन भर हम ट्रेवल करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश से मुंबई जाने में पूरा दिन लगता है दो बार फ्लाइट चेंज करनी होती है यहाँ सुबह प्रोग्राम है रात को पहुंचेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा इसलिए अभी मुरली का रहस्य सुना रहे हैं बाबा कंसिस्टेंटली पिछले कुछ दिनों से सर्व संबंधों की सैक्रीन और वैराग्य के ऊपर बता रहे हैं हमको आज की मुरली में अगर कोई शब्द बहुत सुंदर मुझे लगा तो वो है गुटखा खाना गुटखा वैसे हम एडिक्शन में सेवा देते हैं हम जानते हैं कि ये जब से गुटखा आया है उससे कितना नुकसान हुआ है थोड़ा आपको इसके बारे में बता देते हैं शॉर्ट में पहले लोग सिगरेट पीते थे शराब पीते थे सिगरेट की बदबू आती है शराब की भी बदबू आती है और इनको कैरी करना भी रिस्की होता है तो ये जो नशे के प्रोडक्ट्स बनाने वाले इनका भी रिसर्च टीम होता है इन्होंने बहुत सोच के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी आदत तो लगनी ही है लेकिन खुशबू भी आए तो उन्होंने खुशबू ऐड किया इसमें तो इन्होंने क्या किया कि सिगरेट कैरी करना खराब हो सकते है उन्होंने पाउच बना दिया प्लास्टिक का जिसके अंदर उन्होंने बीटल नट सुपारी या तामुल यहाँ पे कहते हैं उसके साथ तंबाकू मिला दिया और फिर उसमें फ्लेवर्स डाल दिया अलग अलग खुशबू और इसको कहीं पर भी आप कैरी करके लेके जा सकते हैं मुझे याद आया हम जब स्कूल में पढ़ते थे कॉलेज में तब ये एडवर्टाइज आता था कि बारातियों का स्वागत पान पराग से करना चाहिए सो दैट वाज द फर्स्ट ब्रांड धीरे धीरे लोगों ने समझा ये बहुत इजी है लोगों को आदत लगाने की और चीप है और प्रॉफिट हंड्रेड परसेंट है इसमें छोटे से जगह में बिजनेस चालू कर सकते हैं तो उस समय तो लोगों को पता नहीं था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है तो चालू हो गया लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा छोटे छोटे बच्चे करने लगे बहने करने लगे फिर हमारे सामने केसेस आना चालू हुआ कि मुंह बंद हो जाता है जिस बीमारी का नाम है सब फाइब्रोसिस मुंह खोल नहीं पाते ये लोग और इनको मुंह का कैंसर हो जाता है लाल और सफ़ेद वर्ण हो जाते हैं मुंह के अंदर अभी बहुत स्टेट ने इसको बैन किया है लेकिन फिर भी इलीगली ये चलता रहता है तो उसका नाम है गुटखा आज बाबा ने जो कहा है वो है गुटका तो गुटका शब्द का अर्थ ये है चाहे वो गुटखा हो या ये गुटखा हो दोनों में सांस अटकती है तो जब हमको सांस नहीं मिलती है तो हम गुटखा खाते हैं तो मरने पर व्यक्ति जब होता है तो वो गुटका गुटका खाता है अब इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है वो है सुक्रेटिस की सुक्रात जिसको कहते ग्रीक तत्वज्ञानी। जैसे हमारे इधर भारत में फिलोसोफर होके गए वैसे ग्रीस में सुक्रात नाम का तत्वज्ञानी हो गया आप सब पढ़े लिखे इसको जानते हैं तो उनके पास काफी शिष्य आते थे तो एक शिष्य ने उनको पूछा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए उसकी विधि क्या है तो सुकरात बोलता है ठीक है मैं आपको भगवान से मिलने की विधि बताऊंगा लेकिन तुम्हें थोड़ी पहले बेसिक बातें क्लियर करनी होगी और वो दोनों चर्चा करते चलने लगते हैं तो ये शिष्य भी उसके साथ चलना चालू करता है बहुत देर तक वो परमात्मा की बातें करता रहता है करता रहता है और वो शहर के बाहर नदी के किनारे आते हैं, और धीरे धीरे वो नदी में उतरता है तो शिष्य भी उसके साथ नदी में उतरने लगता है। अभी वो इतना अच्छी बातें कर रहा होता है कि शिष्य भी उसकी बातों में एकाग्रता से सुन रहा होता है और जब वो नदी में उतरते हैं गले तक पानी आता है तब सुकरात कहता है ठीक है अभी तुम थोड़ा टर्न हो जा, उल्टे हो जा तो जब वो शिष्य की पीठ सुकरात की तरफ हो जाती है तो सुकरात तो बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था, वो शिष्य के के कंधे ऊपर हाथ रखे, उसको पानी के अंदर दबा देता है तो जैसे ही उसका सिर पानी के अंदर जाता है तो जो शिष्य होता है वो झटपट आने लगता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सांस नहीं ले पा रहा है लेकिन वो कितनी भी कोशिश करे सुक्रात बहुत शक्तिशाली होने के कारण वो शिष्य गुटका खाने लगता है जो आज बाबा ने कहा तड़पने लगता है ऑक्सीजन के लिए और सुक्रात देखता है कि अभी ये धीरे धीरे इसको ऑक्सीजन कम हो रहा है इसका शरीर नीला पड़ रहा है अभी ये मर जाएगा तो जब मरने को आता है तब उसको सुकरात छोड़ देता है और वो जैसे ही पानी के बाहर आता है वो पहला ऑक्सीजन लेता है सांस लेने की कोशिश करता है तब सुकरात उसे पूछता है कि आप मुझे बताओ जब आप पानी के नीचे थे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो सबसे ज्यादा आपको जरूरत किस बात की थी तो शिष्य कहता उस समय मैं केवल सांस लेना चाहता था सांस के लिए तड़प रहा था क्योंकि अगर वो सांस नहीं मिलती है मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलता है श्वास नहीं आती है तो मैं मर जाऊंगा तो सुकरात कहता है जब तुम्हारे अंदर परमात्मा को पाने की इतनी तड़प पैदा हो जाए जितना तुम इस समय ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तभी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है हम बाबा के बच्चे आधा कल्प तक कितना भक्ति की कितनी यात्रा किए दान पुण्य यज्ञ तप जप क्या क्या नहीं किया कितने उपवास किए हो कितने गुरु किए हो लेकिन हमको भगवान नहीं मिला हमने भक्ति मार्ग में बाबा को कहा कि बाबा आप जब भी आओ बस मुझे सेकंड का दर्शन देना आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं और अभी बाबा आया हुआ है हमने उसको पहचान भी लिया है कि भगवान इस धरती पर आ चुका है ब्रह्मा तन के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहा है और हमको स्वर्ग की सौगात देने के लिए आया है हर माँ बाप अपने बच्चे को स्वर्गात सौगात देते हैं और ये तो माँ बाप क्या कहे ये तो डायरेक्ट स्वर्ग ही देता है एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे है ना तो इतना बड़ी सौगात हमको देता है और कहता है कि बच्चे तुम केवल इतना करो कि मेरे साथ सब रिश्ते रखो सर्व संबंधों की सैकड़िन मैं हूँ मैं ही तुम्हे सच्चा सुख देने वाला हूँ बाकी सब काका चाचा मामा आज तो पति पत्नी बच्चे ये भी शब्द आया है कल के मुरली में था काका चाचा मामा आज पति पत्नी बच्चे शब्द आया ये सब दुख देने वाले हैं उसमें अल्पकाल का सुख है सिर्फ मेरे साथ सर्व संबंध रखो और सिर्फ मेरी याद में निरंतर रहो तो मैं तुम्हें सर्व दुखों से मुक्त कर दूंगा लेकिन इतना सब पता होते हुए भी मनुष्य आत्मा बाबा के बच्चे मोह से निकल नहीं पा रहे मोह की दलदल में फंसे हुए हैं चलो हम समझ सकते हैं गृहस्थी वालों को तो जिम्मेवार रहते हैं घर को चलाना मासी का घर नहीं है कलयुग में बहुत सारी समस्या है लेकिन जो बंधन मुक्त आत्मा है जो कुमार कुमारी है जिनके ऊपर कोई जिम्मेवार नहीं है यह समर्पित है जिन्होंने अपना जीवन दिया है वो भी पूरी तरह से पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं और वो भी गुटखा गुटखा खाते हैं उनकी भी सांस अटक जाती है कहीं ना कहीं कहाँ अटकती है सांस या तो किसी देहदारी में अटकेगी या वस्तु वैभव में अटकेगी तो बाबा हमको इन सब घुटकों से छुड़ाने के लिए आया है और बाबा गारंटी दे रहा है कि मैं तुम्हें शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले चल रहा हूं और जो गरुड़ पुराण में बात आई है विषय वैतरना नदी एक नदी बताई है जिसको विषय वैतरना नदी कहते हैं तो सभी आत्माएं इस समय विषय वैतरना नदी में गोते खा रहे हैं। क्योंकि इंद्रिय सुखों में लिप्त है अभी कितना मैं इसके बारे में बताऊं? सन्यासियों ने इसी से हमारी बुद्धि निकालने की कोशिश की तो सन्यासियों को भी क्रेडिट जाती है बाबा भी उनको अप्रिशिएट करता है कि अगर सन्यासी नहीं होती तो बहुत गिरावट होती सन्यासियों ने अपने तरीके से वैराग्य दिलाया कल की मुरली में बाबा ने कहा कि ये शरीर जो है ये कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा वैराग्य दिला रहा है हमको कि बच्चे इसमें नहीं जाओ ये कीड़ों से भरा हुआ है लेकिन कई बच्चे होते हैं, उनको मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है आजकल टीवी पर एडवर्टाइज आती है उसमें भी दिखाते हैं दाग अच्छे हैं वो तो कई लोगों को मिट्टी अच्छी लगती है अभी उसमें बाप क्या करेगा बाबा का काम है समझाना तो विषय वैतरना नदी में फंसे हुए भगवत गीता भी पूरा इसी के ऊपर कहती है विषयों का चिंतन करने से काम की उत्पत्ति होती है ये इंद्रियों के विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय है शब्द स्पर्श काम विकार माना स्पर्श का सुख है रूप आँखों के द्वारा रूप देखते हैं किसी का तो प्रभावित हो जाते हैं रस जीवा इज़ सॉफ्ट टारगेट काम विकार निषेध है क्रोध भी निषेध है लेकिन खाने की चीजों के ऊपर कोई निषेध नहीं है तो जो चाहे वो चीजें खा लेते हैं तो ये भोजन भी कई बार अगर कंट्रोल नहीं किया जीवा को कंट्रोल नहीं किया तो ये भी बंधन का कारण बन जाता है और बंधन दुख देता है तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध कई लोगों को पता नहीं क्या है उनको सेंट की इतनी आदत होती है कुछ धर्मों में कंपलसरी जो स्नान नहीं करते वो कान में अत्तर लगा के सेंट लगा के कान के अंदर रखते ताकि उनसे खुशबू निकलती रहे अभी ये खुशबू क्यों लगाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है एज अ डॉक्टर मैं ये जानता हूँ कि कुछ लोगों के पसीने को बदबू आती है ठीक है ना? तो वो भी बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के अंदर जिसके वजह से बदबू आती है ठीक है तो कई लोगों के मुंह से बदबू आती है क्योंकि ओरल हेल्थ अच्छा नहीं है मौखिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है कई लोगों के बॉडी से बदबू आती है अभी ये नेचुरल है क्योंकि हमारा शरीर कुछ स्मेल छोड़ता रहता है जिसके आधार पर कुत्ते भी ये सब चीजों को ग्रास कर लेते कोई कपड़ा गिरा है तो उनके सूंघने का इंद्रिय बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो बराबर पहचान लेते कि इसकी बदबू है हर एक की बॉडी की होती है अभी कुछ लोगों की ज्यादा होती है कुछ लोगों की कम होती है तो जिसको बहुत बदबू आ रही है कुछ कारणवश कारण सॉल्यूशन कारण नहीं मिल रहा है वो अगर सेंट का इस्तेमाल करे तो हम समझ सकते हैं लेकिन जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है सेंट की वो ये है कि आकर्षित करने के लिए सेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पूरी इंडस्ट्री है इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कहते हैं माना सुंदर देखने की इंडस्ट्री इन्होंने लोगों के विशेष यूथ के दिमाग में डाल दिया है कि अगर आप खूबसूरत नहीं है तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है इन्होंने पहले तो बहनों को खूबसूरत होना जरूरी था अभी भाइयों को भी डाला है और ऐसी एडवरटाइज आई कि ये बहनों वाली क्रीम इस्तेमाल करता है अभी सोचो ये सब मार्केटिंग है क्योंकि उनको वो जो क्रीम है लगाने वाली चेहरे पे फेयर एंड लवली वो केवल बहनों को नहीं बेचनी है भाइयों को भी बेचनी है तो उनके लिए अलग एडवरटाइज अलग मार्केट क्रिएट किया गया सेगमेंट तो इस मनोविज्ञान को समझो ये सब चीजें है योगियों को इससे संभल के रहना चाहिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सूक्ष्म बातें जुड़ी हुई है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मैं कहूंगा आप गूगल में टाइप करके देख सकते फ्रीमोन्स करके ऐसे केमिकल होते हैं जिसके वजह से आकर्षित किया जाता है नर और मादी को तो ये सब उसके ऊपर कार्य करते हैं हमारे नाक के द्वारा ब्रेन को उत्तेजित करते हैं तो ये भी माया है तो इससे थोड़ा संभाल के रहना है बाबा को मुरली में कहना पड़ा कि बच्चों को पाउडर क्रीम आदि नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आप शरीर को सुंदर करने की कोशिश करेंगे आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और खुद ही फंसेंगे क्योंकि हमको अपने अंदर किसी को फसाना नहीं है फसाना है तो बाबा के अंदर फंसाना है क्योंकि अगर आप किसी को पसंद आ गए तो हम देखते हैं आजकल क्या होता है बहुत निगेटिव एनर्जी आती है सूक्ष्म में तो ये निगेटिव एनर्जी बहुत परेशान करती है इसलिए कल के मुरली का जो स्लोगन था देवी स्वरूप में रहना है हमको देख के लोगों की वृत्ति पवित्र बननी चाहिए हमारे द्वारा ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि हमको देख के किसी की वृत्ति चंचल हो इसलिए बाबा ने बहुत सारी मर्यादाएं बताई है कपड़े की मर्यादा कौन से कपड़े पहनने चाहिए कैसे पहनने चाहिए तो ये सब क्यों है ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है है ना हम हाँ अपने आप को सेफ कर लेते इन बातों से तो ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ विषय ये जो विषय है पूरा इसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी में बहुत मेहनत करते हैं सन्यासी और जितने भी साधक हैं और सन्यासी ने तो बहुत कड़ा इसका निषेध किया हुआ है इंद्रियों का सुख उन्होंने कहा है कि जैसे वो कुत्ता है वो हड्डी को चबाता है तो हड्डी के वजह से क्या होता है उसके मसूड़ों को जख्म होते हैं और मसूड़ों से खून निकलता है तो कुत्ते को लगता है कि वाह क्या हड्डी के अंदर से खून आ रहा है उसको वो टेस्ट अच्छा लगता है लेकिन वो भूल जाता है कि वो अपना ही खून खा रहा है एग्जैक्टली exactly यही बात होती है इंद्रिय सुखों में वो समझते हैं काम विकार और बाकी के इंद्रिया उसमें बहुत सुख है लेकिन वो अपना ही खून खा रहे होते हैं तो इससे ही एकाग्रता भंग होती है ये एकाग्रता इस समय भंग होने का कारण क्या है स्मृति का रास होने का कारण क्या है तो वो है पवित्रता की कमी जितनी पवित्रता अच्छी है उतनी एकाग्रता और मेमोरी बहुत अच्छी होगी ये तो अभी आज साइंस भी स्वीकार करने लगा है तो हमको अंडरलाइन करना चाहिए कि विषय नदी में हम गोते तो नहीं खा रहे हैं और केवल बाबा की याद ही है वो जो पुल की बात आ जाए मुझे बहुत अच्छा लगा कि बंदर सेना ने पुल बनाया बाबा ने कहा ऐसा पुल बिल कुछ नहीं है याद की यात्रा ही पुल है जितना हम शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना इस नदी से हम बाहर आएंगे और घुटका खाने से बच जाएंगे है ना जम दूतों की सजाओं से बच जाएंगे जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि मुझे शांति में छू चाहिए शांति में बैठने दो तो बाबा ने तो आज पहले भी कहा है मुरली में आज डबल अंडरलाइन करना है कि बाबा ने कहा याद में या मेडिटेशन में किसी भी आवाज का शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता है अब ये बहुत डीप बात है बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में आवाज नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि याद में आवाज का विघ्न पड़ता ही नहीं है वो तो ज्ञान में पड़ता है याद में कौन सा विघ्न पड़ता है तो माया का विघ्न पड़ता है मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था बहुत सुंदर बात बहुत इंस्पिरेशनल बाबा ने कहा चारों तरफ शांति हो उसमें आप शांत रहो ये कोई बड़ी बात नहीं चारों तरफ अशांति है उसमें आप शांत रह के बताओ वो बड़ी बात है तो बाबा यहाँ पर कुछ ऐसे ही भाव से कह रहा है कि माया अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है माना माया हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के संकल्प विकल्प पैदा करती है जिसको बाबा ने कहा तूफान लाती है बहुत लोग कहते हैं हम ऐसे रूटीन में कार्य करते हैं मुरली पढ़ते हैं तब हमको कुछ नहीं लेकिन जैसे ही हम याद में बैठते हैं सब संकल्प आने चालू हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि माया से घुसा मत खाओ शिव बाबा जो हमको अपार सुख देता है सर्व संबंधों की सैक्रीन है कल भी आया था ये उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो याद की तीखी दौड़ी लगा हंड्रेड मीटर रेस होती है हम सब जानते हैं जो फास्ट जाता है वो जीत जाता है हम सब भाग रहे हैं हमारा टारगेट है परम धाम में शिव बाबा हम सब इस पृथ्वी के ऊपर एक चित्र खींचे कोई अमेरिका है कोई लंदन में है है ना कोई अफ्रीका में है यूरोप में है कोई एशिया में है ऑस्ट्रेलिया में है हम हाँ पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर हम सब भाग रहे हैं कहाँ भाग रहे हैं परम धाम में शिव बाबा के तरफ शिव बाबा हमारा गोल पोस्ट है तो हम दौड़ी लगा रहे हैं यही हमारी दौड़ी है अभी इसमें कौन तीखा जाएगा तो तीखा वो जाएगा जो देह भान और देह अभिमान से परे है जिसने अपने आप को डिटैच कर लिया अशरीरी कर लिया है पुरानी दुनिया और पुराने संस्कार उसको खींचते नहीं कोई भी आकर्षण नहीं है तभी वो दौड़ी में नंबर ले सकता है तो देखना चाहिए कि क्या हम याद की दौड़ी लगाते हैं जैसे वो 100 मीटर रनर्स होते हैं ना वो अपना स्टेमिना को मेंटेन करते हैं उनको भागना होता है तो वो मसल्स को स्ट्रांग करते हैं पैरों के मसल्स थाई के मसल्स काफ के मसल्स एक्सरसाइज करते हैं और रोज प्रैक्टिस करते हैं वो जितना जो प्रैक्टिस करता है उतना वो नंबर लेता है वो घड़ी लगा के टाइम लगा के देखते है कि मैं कितना सेकंड में पहुंचता हूं देखो कभी सोचा नहीं था कि हंड्रेड मीटर दस सेकंड के अंदर लेकिन एक ने करके दिखाया तो बाकी ने धड़ाधड़ करना चालू किया तो वो हंड्रेड मीटर्स के लिए दस सेकेंड के अंदर भागने की कोशिश करते है ये बहुत बड़ी बात है तो ऐसे ही हमको भी देखना चाहिए कि हम कितना सेकंड में डिटैच होते हैं शरीर से और शिव बाबा के ऊपर फोकस हो जाते हैं जितना जितना हम देहबान और देह अभिमान को छोड़ते जाएंगे जितना जितना हमारी वैराग्य की अच्छी अवस्था रहेगी उतना हम जल्दी बाबा की याद में स्थिर हो सकते हैं बाबा ने तो हमको टाइम दिया है एक सेकेंड क्योंकि अंतिम समय कब आएगा पता नहीं है और पूरा खेल समय में आपकी क्या स्मृति है उसके ऊपर आपकी गति होगी आज बाबा ने आत्मा के रॉकेट को याद किया है तो बाबा ने कंपैरिजन दिया है देखो बाबा कैसे इस समय के बारे में बताता है कि स्टीमर है उसको तीन चार मास लगते हैं जहाँ से अमेरिका जाने में अभी तो एक मास लगते थे बाबा जब मुरली चलाई थी सिक्सटी नाइन के पहले और एक दिन में एरोप्लेन लेके जाता है अब ये सुपर जेट होते हैं फाइटर जेट होते हैं, वो उससे भी फास्ट चले जाते हैं लेकिन सबसे फास्ट रॉकेट बाबा ने का आत्मा है अगर किसी को लंदन में जन्म लेना है तो बाबा कहता है सेकेंड में वो आत्मा यहाँ सेकेंड सोचो आप एक सेकेंड में यहाँ से शरीर छुटा उधर गर्भ में प्रवेश किया कितना फास्ट होगा तो बाबा ये कहता है कि आजकल का साइंस भी जो कहता है कि इंस्टेंट आप इंस्टेंट में जा सकते हैं शिव बाबा को परम धाम से इस दुनिया में आने में सेकंड भी नहीं लगता है सेकंड तो हमारे हिसाब से है लेकिन जितना हम योग की गहराई में जाएंगे हम सेकंड के मिली सेकंड को पकड़ना चालू कर देते हैं अभी यह अनुभव है जितना जितना हम शांत होते जाएंगे उतना उतना हम रियलाइज करेंगे कि समय ठहरता जा रहा है बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है कि परम धाम में समय नहीं है समय का अभाव समय इस दुनिया में होता है क्योंकि देर इज अ मूवमेंट समय माना जहां पे हलचल है वहां समय है जहां पे कोई हलचल नहीं वहां समय ही नहीं है तो चेक करना चाहिए जितना हम परम धाम में अपने मन बुद्धि को स्थित करते हैं उतना हमारे लिए समय रुक जाता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है समय कम पड़ेगा इसको बताने के लिए कि कैसे योग से हेल्थ और वेल्थ की जो बात आती है वो समय के साथ जुड़ी हुई है आप चेक करेंगे जितना जितना हम शांति की गहराई में जाएंगे हमको रियलाइज होगा दो विचारों के बीच में एक स्पेस है उस स्पेस में जैसे हम रहते हैं उतना गहन शांति का अनुभव लगता है ऐसे लगता है हम सब कुछ ठहर गया है और तब हमारे द्वारा दिव्य शक्तियां जागृत होती है और हमारे द्वारा औरों को अनुभव होने लगता है तो बाबा ने कहा इसका अभ्यास करना है मास्टर गॉड बनना है ये भी पॉइंट बहुत अच्छी लगी मुझे मास्टर गॉड माना त्रिमूर्ति बनना है क्योंकि बाबा ने हमको सब अलंकार दिए हुए स्वदर्शन चक्रधारी कल भी बात आई थी आज त्रिकालदर्शी त्री आई है तो मास्टर गॉड माना क्या तो अमृत वेले ही श्रेष्ठ संकल्प करो ब्रह्मा बनो दिन भर विष्णु बन के उनकी पालना करना है उसी नशे में रहना है और फिर रात को सोने से पहले जो गलतियां हुई है उनको शंकर बन के भस्म कर देना है ये हो गया मास्टर गॉड ये बहुत प्रैक्टिकल है इसका अभ्यास करना है कि हम मास्टर गॉड है धीरे धीरे ये समान हमारे अंदर ठहरते जाएगा और फिर धीरे धीरे बाबा के सभी गुण हमारे द्वारा औरों को भी महसूस होने लगेंगे मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो अष्ट रत्न होती है उनकी विशेषता है कि जैसे वो प्रिज्म होता है, उसके अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो सात किरणें निकलती है ऐसे ही अष्ट रतन होता है उनके द्वारा जैसे आप उनके संबंध संपर्क में आएंगे उनके द्वारा आपको अष्ट शक्तियों की भाषण आएगी कि ये अभी आत्मा परखने की शक्ति निर्णय कर रही है सहयोग सामना सहकार्य कर रही है समेट रही है ये सब शक्तियों की भाषण स्पष्ट आएगी तो हमारे द्वारा ये शक्तियों रिफ्लेक्ट होती रहेगी हमारे कर्म लोग देखेंगे और उसको स्वीकार करेंगे तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हमको बनना है और जितना हो सके विकर्म नहीं करने हैं बिल्कुल करने ही नहीं है क्योंकि धर्मराज से बच नहीं सकता कई लोग कहते हैं कि हमको कोई देख रहा है लेकिन सॉरी बाबा हर एक का रिकॉर्ड है बाबा के पास और बाबा ने कहा हुआ है कि लास्ट में ये सब दिखा के सजा मिलेगी तो कभी इस गलत फेमी में नहीं रहे प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है और प्रतिज्ञा में लूज नहीं बनना है आज बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बड़ी मशीनरी होती है उसका एक स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है छोटा सा स्क्रू तो यहाँ पर छोटा सा स्क्रू कौन सा है लूज करने वाला वो है अलबेलापन आलस्य हम तो है ही बाबा के बाबा के ही बारे में सोचते हैं दिन भर बाबा के गीत लगते रहते हैं बाबा के सिवा मेरा है ही कौन वगैरह वगैरह हमने तो अपना जीवन ही दे दिया है बाबा ने कहा रोंग अलबेलापन का स्क्रू नहीं है अलबेले के स्क्रू को टाइट करना है माया रॉयल रूप में आती है तो लूज स्क्रू को टाइट करो मुझे बाप समान बनना ही है जो बताया ना सुकरात की बात तड़प होनी चाहिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है एक श्वास संकल्प भी वेस्ट नहीं करना है पूरा बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है अंदर से महसूस करना है ये दुनिया गई की गई जो भी आंखों से दिखाई देता है माँ बाप बच्चे भाई बहन काका चाचा मामा व्यक्ति वस्तु वैभव ये सब दुख कारक है दुखालयम अशाश्वतम हमने देखा तो बहुत अटेंशन रख के पुरुषार्थ करना है आज बाबा ने चौथे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक भी लिया है ये यथाम प्रपद्यंतेम स्तव भजाम्य हम जो जिस भावना से याद करता है वैसे मैं उसको अनुभव कराता हूँ ऐसे यहाँ पर भी बाबा के बच्चे अभी बाबा क्या करेगा कोई हद की बातें मांगता है तो वो हद में ही रहेगा हमको तो बेहद में रहना है बाप समान बेहद में रहना है बेहद विश्व की आत्माओं को नज़र से निहाल करना है उसके लिए दिल बड़ा साफ चाहिए और बड़ा दिल चाहिए क्योंकि बड़ा बाबा छोटे दिल में नहीं रहता तो अंडरलाइन करेंगे कि मेरा बेहद का वैराग्य का फाउंडेशन पक्का है और मैं याद की दौड़ी पहनता हूँ तो बार बार आज संकल्प करेंगे कि मैं बाप समान हूँ सर्वश्रेष्ठ हीरो एक्टर हूँ मुझे बाप समान बनना ही है अच्छा ओम शांति